राजस्थान में सियासी घमासान चल रहा है और घमासान भी ऐसा कि विधानसभा और पार्टियों से बाहर निकलकर हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हमारे साथ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शांतिलाल चपलोत हैं, इन्हीं से जानेंगे। ये भी विधानसभा अध्यक्ष रहे थे और इनके जमाने में भी कई उठापटक हुई थी और कई राजनेताओं को बाहर जाना पड़ा पार्टियों से और कई को आना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं इस घटनाक्रम पे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से अशोक जी गहलोत ने अपनी एक अच्छी छवि बनाए रखी थी, ये छवि अब खराब हुई है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री के नाते पायलट जी को लिया और अध्यक्ष भी बनाया पार्टी का, और इसके बाद उसमें किसी प्रकार का संवाद नहीं हो, 1.5 साल में आपस में बोलचाल नहीं हो, किसी प्रकार का पावर न दिया जाए, ये इनका आपसी अंदरूनी मामला है। और फिर उनको हटाना, दुनिया भर के आरोप लगाना, पहले एक राम बना हुआ था, एक हनुमान बना हुआ था और दूसरों के एक दूसरे के गले मिले हुए थे और कह रहे थे कि हम साथ साथ चलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पर जिस तरीके से अशोक जी गहलोत ने मुख्यमंत्री के नाते उनको हटाया है, ये कुछ ठीक नहीं हुआ। ये इनका पब्लिक पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अनावश्यक उसमें खींचा जा रहा है। श्री गजेंद्र सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनका नाम भी आया, उन्होंने लिया गहलोत साहब ने, और कटारिया जी और सतीश जी और राजेंद्र जी राठौर सबका कह रहे हैं कि ये कर दिया हमने, वो कर दिया। भाई आपने क्या किया? आपको ऐसा अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए, आपको उप मुख्यमंत्री को इस तरह से हटाना भी नहीं चाहिए। फिर विधानसभा अध्यक्ष ने उनको नोटिस जारी किया, ये नोटिस जारी करना उनका अधिकार कि आप किस पार्टी में हैं ये तो बताएं आप, ये उनका अधिकार है। और तुरंत फुरंत फिर हाईकोर्ट चले गए, ये भी इन्होंने कैवियट लगा दी और उन्होंने भी अपनी बात लगा दी पायलट ने, और अभिषेक मनुजी सिंह भी और ये सब लोग आए, हरीश सालवे भी आए, आपस में बातचीत भी हुई खूब, कोर्ट में काफ़ी बहस मुबासा हुआ। और श्री भवनलाल जी शर्मा जो कांग्रेस के विधायक हैं अभी सरदार शहर से, मैं जब विधानसभा अध्यक्ष था तब भी उन्होंने भैरव सिंह की सरकार को अस्थिर करने के लिए काफ़ी कुछ किया था, काफ़ी लोगों को इधर उधर किया, कई लोगों को ऊंची ऊंची बातें बताई, और कहना नहीं चाहिए उनको, कहा कि मैं आपको फलाना चीज दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, आपका सम्मान बढ़ाऊंगा, आपको मुख्यमंत्री बनवा देंगे या किसी को मंत्री बनवा देंगे, इस तरीके की बात की, ये वो करने के आदी हैं। ये इनका इनका आपसी झगड़ा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को घसीटना और अशोक जी गहलोत जो सन 1980 से बराबर बने हुए हैं, 77 से समझ लीजिए पार्टी में है कांग्रेस में, और बराबर बने हुए हैं किसी किसी पदों पर, उनको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। जिस तरीके से व्यवहार किया गया है एक उप मुख्यमंत्री के साथ, वो जरा अच्छा नहीं लगता है। और अब इनका अंदरूनी मामला है ये तो ये जाने, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन चपलोत जी, कांग्रेस ये कह रही है कि सचिन पायलट को एक बाहरी तौर पे अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनके ठहराने की व्यवस्था वगैरह वो सब सारे एक होटल में हो रही है, और उसी होटल में जिसमें जब महाराष्ट्र की सत्ता में घमासान हुआ और उनके विधायक ठहराए गए, कर्नाटक की में हुए तो उनके, इस तरह से अब राजस्थान में भी बारी आई, ऐसे आरोप लग रहे हैं और फोन टेपिंग की बात है,
उसमें भी भाजपा नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? फोन टेपिंग गृह मंत्रालय उनके पास ही है, पहले आदेश लेना चाहिए। फोन टेपिंग ऐसे नहीं किया जा सकता, कल मैं आप दोनों जने बात कर रहे हैं और ये फोन टेपिंग हो गई, मैं अपने घर में किससे बात कर रहा हूँ, फोन टेपिंग हो गई और आपने उसको उजागर कर दिया, ऐसा नहीं। उसके लिए पहले परमिशन लो, गृह मंत्रालय ही देता है और उसके लिए पूरा एक कोड बना हुआ है, उस कोड के अनुसार उनको चलना चाहिए। और विरोधियों के फोन टेप करना ये वाटरगेट कांड जैसा है। अमेरिका में निक्सन जब राष्ट्रपति थे तब वाटरगेट कांड हुआ, अपोजिशन के लोगों के, जैसे मेरा ऑफिस है यहाँ तो मैं अपोजिशन में हूँ, कांग्रेस के खिलाफ हूँ, तो मेरे घर में बग्स लगा दी, छोटी छोटी बग टेप्स निक्सन ने, और वो सर बातें सब निक्सन को पता लग जाती थी कि इनके पार्टी में क्या बातें हो रही है। तो ये डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के खिलाफ है, राजनीति में जनतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ है। जनतांत्रिक प्रणाली में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और सबको अधिकार होना भी चाहिए। और इस तरीके से जब उन्होंने किया तो निक्सन को वाटरगेट कांड के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा भी देना है। उसी तरीके का ये कांड है, आप किसी का भी इस तरीके से फोन टेपिंग करो, मैं किसी से बात कर रहा हूँ गौरव फैन फोन टेप करो, तो ये जनतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ है। ये तो उस तरीके का हो गया जहाँ डिक्टेटरशिप हो, जो इंदिरा गांधी जी ने किया था, सबके टेप करते थे इमरजेंसी में, या चाइना में है आज विरोधियों को टेप करना, हालांकि वहाँ विरोध है ही नहीं, पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, पर ये करना किसी भी प्रकार से मर्यादित आचरण नहीं कहा जा सकता। लेकिन चक्रवर्ती अब सरकार को क्या करना चाहिए और मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत जी को क्या करना, क्या स्टेप उठाए ताकि ये जो इतने दिन से जो चल रहा है घटनाक्रम वो उसमें सभी को निजात मिले और एक राजस्थान की आम जनता को एक विकास मिले और उनकी जो अभी महामारी चल रही है उसमें उनको अच्छी सुविधाएं मिले। जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अभी विश्वव्यापी कोरोना महामारी चल रही है और उसमें पूरा तो आंकड़ा नहीं कह सकता, पर करीब करीब 6 लाख लोग मारे जा चुके हैं सारी दुनिया में, अमेरिका में, ब्राजील में, इटली में, फ्रांस में, इन सब देशों में, जो विकसित देश हैं ऑस्ट्रेलिया में, सब में मारे गए और हिंदुस्तान में भी काफ़ी लोग मारे गए। ये महामारी चाइना ने प्रारंभ की है और उस पर चाइना हमेशा इस तरीके का करता आया है और इस महामारी पर कंट्रोल करना आज आवश्यक है। जनता भूख से लाचार है, अभी जनता को भी काम चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, छोटे उद्योग चाहिए। आज जो दिहाड़ी मजदूर हैं, पर डे कमाने वाले, उनकी हालत खस्ता हो रही है, उनको कहाँ पर कुछ मिलेगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, शाम को उसका पता नहीं रहता है। इसलिए इस तरीके की सियासत नहीं करके उनको इस कोरोना महामारी पर नियंत्रण करना चाहिए, गरीबों की ओर ध्यान देना चाहिए। ये तो सत्ताएं आएगी जाएगी चली जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब मैं सांसद था 1998 में, एक वोट से सरकार गिर गई और मैं स्वयं भी कुछ लोगों को लेकर के गया था जो कांग्रेस के थे वाजपेयी साहब के पास, और प्रमोद महाजन जी से भी कहा मैंने, आज वो दोनों ही नहीं है। प्रमोद जी ने कहा यार अपने पास है सफिशेंट, और वाजपेयी ने जी कहा मैं इस प्रकार से होल ट्रेडिंग नहीं करूँ, किसी का भी मत इस तरीके से लेंगे नहीं और हम इस तरीके का काम नहीं करेंगे, मतलब हमको जाना पड़े। बाल योगी को भी मैंने कहा, मेरे अच्छे लगते थे वो, उनके गुरु रामाकृष्णाडु मेरे अच्छे मित्र थे, वो आंध्र प्रदेश के थे स्पीकर, मैं राजस्थान का था, तो मेरी उनकी अच्छी मित्रता थी और मैंने उन पर प्रेशर डाल करके चंद्रबाबू नायडू का सपोर्ट भी करवा, उसके लिए प्रेशर दिया था। तो बाल योगी जी को मैंने कहा कि आप ये जो मुख्यमंत्री हैं, बाहर के हो गए हैं और सांसद तो हैं पर वो मुख्यमंत्री हो गए, इसलिए वो इस ऑगस्ट हाउस के लिए, ये जो पवित्र सदन है लोकसभा का, उसके लिए ये फॉरेनर है, उसके लिए ये अब इनका वोट कास्ट नहीं किया जाना चाहिए। पर बाल योगी जी ने कहा कि इनकी स्वीट व्हील पर छोड़ता हूँ, ये स्वीट व्हील ऐसी हुई कि एक वोट से सरकार गिर गई, पर हमने उनको सहन किया। आज राजनीति में जो जिस तरीके का उठापटक चल रही है,
वो ठीक नहीं है। मैं तो मैं आदर्श हमारे भैरव सिंह जी रहे, आदर्श हमारे वाजपेयी जी रहे, अडवाणी जी रहे, और उन्होंने इस प्रकार की चीजों को कभी बढ़ावा नहीं दी। इसलिए अशोक जी गहलोत अब भी संभले हैं, और जनता का अभी 2-3 साल जितना भी बाकी है टाइम, जनता का काम करें, और यदि यदि बहुमत उनके साथ नहीं है तो क्विट छोड़ दें, क्या फर्क पड़ रहा है। और यदि आप पॉपुलर होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे काम किए होंगे जैसा कि आप कह रहे हैं, फिर आ जाना आप, पर इस तरीके से मत करो हॉर्स ट्रेडिंग, और इधर उधर तोड़ फोड़ तोड़ फोड़ तोड़ फोड़ तोड़ फोड़, और इधर मिलाया उधर मिलाया उसको मिलाया, अब एक दूसरे को गाली गलौज की स्थिति में आ गए हैं, ये ठीक नहीं है। आपकी अशोक गहलोत को क्या राय है कि वो अभी पूरी सरकार के साथ में होटल में है, क्या राय देंगे आप एक शायद पूर्व मैं देख रहा विधानसभा हूँ टीवी अध्यक्ष? पे कभी कभी कि वो क्या राय दे आपस में, कब सब और टी पार्टियां हो रही है, दूसरी पार्टियां हो रही है, खाने पीने का काम चल रहा है, जनता के दुख का तो कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी मैंने पढ़ा था, एक बच्चा कह रहा था कि मेरे पिता के पास खाने पीने को नहीं है, मेरी बहन को मुझे पढ़ाना है, मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना है, पर चीफ मिनिस्टर से कहाँ मिले। तो चीफ मिनिस्टर को हमेशा किसी भी परिस्थिति में जनता के सामने रहना चाहिए, मिलना चाहिए, जिससे जनता के दुख दर्द कम हो सके। आप क्या मानते हैं कि जो अशोक गहलोत का जो अब तक का कार्यकाल रहा, उनकी राजनीति रही, उसे क्या मानते हैं? कई भाजपा के नेता भी उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें जादूगर बताते हैं। क्या इस माहौल में वो विजेता रहेंगे या परास्त होंगे? ये तो वोटों का गणित है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। राज्यसभा में भी उन्होंने किया ही था इधर उधर, और अभी क्या कह सकते हैं कौन किधर है। उनकी पार्टी में कई लोग ऐसे भी हैं जो अशोक गहलोत के अंदर बैठे हुए हैं, पर वो नहीं चाहते हैं अशोक गहलोत, और उधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। अपना तो पर्सनल किसी से मिलना हुआ नहीं, पर जैसा कि अखबार उसे देख रहे हैं, जैसा टीवी पर देख रहे हैं, उसके अनुसार अनुमान लगा सकता है कि अशोक जी गहलोत शायद अल्पमत में है, इसीलिए इतनी कसरत कर रहे हैं, जादूगिरी मजा रहे हैं जो भी है। और ऐसे समय में उनको क्या करना चाहिए? ऐसे समय में या तो वो त्याग पत्र दे दें, या फिर अपने लोगों को मनाएं। मनाना जाता है, दूसरे को मनाना ना काम है, पार्टी में रखना है तो, पर वो तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो इन्होंने ऐसा किया, पहले चार्जेज इस तरीके के लगा दिए तो मिलने की गुंजाइश भी कम रहती है कि ये भ्रष्ट है, इन्होंने ये किया, पैसा का काम किया, टेप दुनिया भर की सुना दी। तो इस तरीके से कोई भी आदमी अपमानित होकर के उनके साथ रहना नहीं चाहेगा, ऐसा मेरा मानना है। पर आजकल मान अपमान की तो कोई ठंडा ही नहीं है, कुर्सियों का झगड़ा है, तो सब लोग झटपट धूल झाड़ी और वापस वापस मिल भी जाते हैं, इकट्ठे भी हो जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं। क्या सचिन पायलट अगर अपने साथियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो क्या आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को अपनाना चाहिए या उनको समर्थन देना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की विशाल पार्टी है, उसके दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं, और सबको लिए ही हैं उन्होंने। कोई भी पार्टी में आना चाहे तो उसको रोक तो नहीं सकते कोई। अब वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, पार्टी लेगी कि नहीं लेगी, ये तो पार्टी हाईकमान को तय करना है, दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ आज की तारीख में, इसलिए मैं इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता कि वो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, पार्टी उनको लेगी कि नहीं लेगी, आगे कितनी श्रेणी में रखेगी, पीछे किस श्रेणी में रखेगी, इसके लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ, उसके लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ, इस पर मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। अशोक गहलोत की सरकार अगर गिरती है, तो आपके समीकरण के हिसाब से या आपके अनुभव के हिसाब से कौन सरकार बना सकता है और कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन नहीं बनेगा, ये तो समय के अनुसार ही होता है। सभी कई लोग दावेदारी कर सकते हैं, कई चीजें होती हैं, पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। उस समय क्या समीकरण बैठते हैं, भाषाई समीकरण भी बैठते हैं, रीजनल समीकरण भी बैठते हैं, कौन जोधपुर साइड का है, कौन उदयपुर साइड का है, कौन कोटा साइड का है, कौन कितना सपोर्ट कर रहा है, कौन कितना कर रहा है, इन कई बातों को ध्यान में रखते हैं, और पार्टी आला कमान हाई कमान के निगाह में कौन ज्यादा फिट बैठता है शासन चलाने के लिए, तो वो उनका विषय है, हमारे मेरा सब्जेक्ट भी नहीं। लेकिन एक बात है, अंतिम बात, की
चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां वरिष्ठों की कुछ अनदेखी कर रही है। जो वरिष्ठ जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी पार्टी को खड़ा करने में, और जब कुछ लाभ का मौका मिलने को आता है तब उन वरिष्ठों को दरकिनार कर दिया जाता है, क्या कहना है आपका, क्या पीड़ा है वरिष्ठों की? ये तो हर समय होता आया है, उसमें कोई नई बातें नहीं है। और जो युवा हैं उनको भी पार्टी में साथ मिलना चाहिए। मैं आज 75 पूरे कर चुका हूँ, मतलब 76 में चल रहा हूँ, जन्मपत्री के हिसाब से कह रहा हूँ। तो अब मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने की आवश्यकता भी नहीं, और नए ब्लड को मौका मिलना ही चाहिए, उसमें भी कोई खास बात नहीं है। और समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार, परिस्थिति देख करके, अब भीष्म पितामह स्वयं बहुत बहादुर थे और उन्होंने धृतराष्ट्र को बैठाया है ना, बहादुर तो वो थे, उनके मुकाबले में कोई आदमी नहीं था, पर बैठाया तो उन्होंने धृतराष्ट्र को। तो ऐसा कई बार निर्णय इस प्रकार के लेने पड़ते हैं। हम लोग अपनी मर्यादाओं से बंधे हुए हैं, हम अपने आचरण से बंधे हुए हैं, पार्टी की विचारधारा से बंधे हुए हैं, न तो उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं न कहीं जा सकते हैं। लेकिन दोनों पार्टियों में ऐसे भी लोग हैं जिनको, जिनकी उम्र भी बड़ी है और उनको पद मिले हुए हैं, लेकिन अभी भी उनकी आकांक्षा पद पे रहने की बनी हुई है, क्या कहना है उनके लिए? ये सब अपना अपना ख्याल है, हमारी कोई आकांक्षा नहीं है। ईश्वर भजन करो, यह हमारी इच्छा और आकांक्षा रहती है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी क्या कहूँ, पर हमारे एक वरिष्ठ नेता हुए हैं जो 1977 में थे, उन्होंने कहा कि जो 60 साल के हो गए हैं वे अपने आप रिटायरमेंट ले लें। और उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में काफी काम भी किया, नानाजी देश में। अब वो ये अपना अपना सोच है, पर कई बार क्या है कि उम्र से ही अनुभव आता है। मोरारजी देसाई थे और 80 वर्ष से ज़्यादा की उम्र में वो प्रधानमंत्री बने, तो अनुभव भी था और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन भी गया। अब ये तो युवक भी है और बिल्कुल चले ही नहीं, कहीं 4 कदम ही नहीं चले वो, तो वो युवक भी किस काम का, इसलिए इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अशोक गहलोत की एक बात की अंग्रेजी बोलना, अच्छा दिखना और अच्छी बातें करना, ये राजनीति में आगे से भी ज्यादा जनप्रिय होना, वो ज्यादा मायने रखता है। लेकिन विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि राजीव गांधी भी हैंडसम थे, अंग्रेजी बोलते थे, ये ऐसी जो बात ठीक है, लक्ष्यदार अंग्रेजी और ये और अच्छा हैंडसम दिख रहे ही सबसे नहीं है। कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण, देश के प्रति समर्पण, उस कार्य के प्रति समर्पण, गरीब के लिए समर्पण, गरीब को, गरीब का आंसू पहुंचने के लिए तैयार रहना, उसमें हैंडसम और ब्यूटीफुल होने जाते हैं। अष्टवक्र आप जानते हैं है ना, जनक के समय में अष्टवक्र हुए और 8 तरह से वो विकलांग थे, और अष्टवक्र की कथा सब जानते हैं। वो 8 तरह से विकलांग होते हुए भी जब उनकी मजाक उड़ाई गई तो उन्होंने कहा ये चमारों की सभा है जो चमड़ी को देख करके इस तरह से कर रहे हैं। और उसके बाद फिर उनको पांडित्य उनका इतना था कि जब उनका शास्त्रार्थ हुआ तो सबको चित कर दिया उन्होंने। तो अच्छा देखना, बढ़िया देखना, सकल सूरत से अच्छा देखना, यही सफिशिएंट नहीं है। उसमें विद्वता भी होनी चाहिए, उसमें विनम्रता भी होनी चाहिए। राजनीति में विनम्रता भी एक गुण है, सदा सहायता भी एक गुण है, शांति प्रिय होना भी एक गुण है, दूसरों को सहन करना, भगवान महावीर का शादवाद को बनाए रखा। सचिन पायलट ने जो कदम उठाया और विधायकों को अलग ले जाकर रखा, आप क्या मानते हैं और सचिन पायलट को आपकी क्या राय? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सचिन पायलट से बहुत ज्यादा संपर्क में हूँ नहीं। सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट से जरूर मेरा अच्छा संपर्क था, हम दोनों साथी साथ में ही सांसद भी रहे और वो भी मेरा सम्मान करते थे, मैं भी उनका सम्मान करता था। उनकी माँ रमा जी पायलट मेरे साथ विधायक भी रही 90 में, और मेरा इनसे बहुत ज़्यादा कभी मिलने का, इससे बात करने का काम भी पड़ा, इसलिए उस बारे में मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। नहीं, इस तरह का स्टेप उन्होंने उठाया तो क्या ये सही था या ये तो वो जाने कि उन्होंने सही उठाया या गलत उठाया, ये उनका आपसी निजी मामला है। अशोक गहलोत जी के और उनके
जिस तरीके की टक्कर चल रही थी उन्होंने सही किया गलत किया, ये तो हो जाने, हमारे से क्या कौन रफ हो हमें का हानि, चेरी छोड़ के होम की रानी, कोई रफ हो जाए इनमें से दोनों में से हमको क्या। राजनीति का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या बदलाव होगा ये एक आम जन के लिए कहना या आम नेताओं के लिए कहना, भविष्य के लिए कोई भविष्यवाणी करना एक बहुत अभी कठिन दौर चल रहा है, लेकिन यह तो तय है कि जो राजनेता की जो आम जन में छवि है, जो पहले छवि थी, जो पहले आम जन में विनम्रता और ईमानदारी की और राजनीति अपनी पार्टी के प्रति एक निष्ठा की जो छवि थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। फिर से ऐसी कवायद सभी नेताओं को करनी है कि अपने पार्टी में निष्ठा बने और आम जन में हर राजनेता की अच्छी छवि जाए। हम ऐसे ही मुलाकात और जन से भी करेंगे। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। पंडित जी आप